हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है अलापिन सिसिलियन के ऊपर और एक इंटरेस्टिंग साइडलाइन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। कुछ हद तक ये लाइन पॉपुलर भी है, चलिए देखते हैं क्या है। E4 C5 C3 D5 ED QD5 D4। यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया है कि ब्लैक NC6 कर सकता है तुरंत और CD कैप्चर के लिए थोड़ा वेट भी कर सकता है, तो काफी लोग यहाँ पे NF6 करते हैं। मैंने एक दो गेम्स पहले दिखाया भी था। तो आज का जो लाइन है हमारा थोड़ा सा अलग है। इसमें पहले CD4 NC6 करता है ब्लैक, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया है। NF3 को इंस्टेंट E5 से ब्रेक करके सेंट्रल कंट्रोल लेना चाहता है। देखिए E4 हो रहा है, D4 पर अटैक है, DE स्लाइट मिस्टेक है, DE को QD1 KD1 कैसल ब्रेक हो जाएगा। तो व्हाइट को एक्टिवली खेलना जरूरी है और इसका थियरी मालूम होना जरूरी है। दो इंटरेस्टिंग ऑप्शंस दिखाने जा रहा हूं, चलिए देखते हैं। नाइट C3 मेन मूव है, BB4 क्वीन अटैक था तो नाइट को ब्लैक ने पिन किया यहाँ पे देखिए। और अब यहाँ पे व्हाइट के पास इंटरेस्टिंग मेन मूव तो BD2 है, मेरे हिसाब से BD2 ही करना चाहिए। पर ब्लिट्स गेम में अगर किसी को इंटरेस्टिंग मूव क्वीन बिशप E2 ट्राई करना है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मिलनर बेरी का एक आइडिया है, सर मिलनर बेरी जिन्होंने मिलनर बेरी गैम्बिट इन्वेंट किया था उनका देखिए एक इंटरेस्टिंग आइडिया है यहाँ पे कि पहले E4 करे तो ऐसा लगता है D4 जाने वाला है, लेकिन व्हाइट यहाँ पे देखिए करता है कैसल, इंटरेस्टिंग मूव, पूरा का पूरा पीस दे दे रहा है। अब देखिए क्वीन अटैक्ड है तो बिशप C3 पोस्ट BC EF BF3। अब देखिए ओपन सेंटर, डबल बिशप्स और सेंटर पॉन्स रोलिंग, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है। देखिए क्वीन E6 को D5 RE1 आ रहा है, क्वीन D8 अगर पीछे ले ले तो देखिए RE1 चेक, अब BE6 को D5 हो जाएगा डबल अटैक, और नाइट E7 करे तो D5 D6, यानी कि व्हाइट का जो पोजीशन है कम से कम क्लियरली बेटर होगा क्योंकि नाइट वापस मिलते ही बिशप पेयर ओपन बोर्ड में बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ब्लैक के पास एक इंटरेस्टिंग लाइन भी है कि वो BE2 को चाहे तो E4 ना करते हुए ND4 BD2 उसको Bishop C3 Knight F3 BF3 इस एंड गेम के लिए भी जा सकता है ब्लैक, QD1 Rook D1। पर मुझे जो लग रहा है ये लाइन जो है बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल चॉइस है व्हाइट के लिए, F6 नहीं तो E4 का पॉन चला जाता। अब देखिए Bishop A5 गुड मूव, ब्लैक का बेस्ट ऑप्शन है B7 का पॉन दे देना और डेवलपमेंट कंप्लीट करना, नहीं तो फिर ब्लैक का पोजीशन खराब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे KF7 ब्लंडर Rook D8 आ रहा है तो BE6 BB7 Rook B8 BC6 KF7 B3 आप देख सकते हो NE7 करेगा ब्लैक, बिशप को भगाएगा। यहाँ पे भी देखिए बिशप पेयर है, क्वीन साइड पॉन मेजोरिटी है, पर ऐसा कहते हैं कि ब्लैक का पोजीशन ठीक है, पर मुझे लग रहा है ये भी बहुत अच्छा व्हाइट के लिए प्रैक्टिकल चांस है। तो आप इस लाइन को भी कभी कभी यूज कर सकते हो, पर इसका सरप्राइज वैल्यू ज्यादा है और थोड़ा सा और एनालिसिस करना पड़ेगा खुद से एकदम, जो ये जो पोजीशन है इसको बिना एनालिसिस के नहीं खेल सकते, थोड़ा और आपको घर में एनालाइज करना पड़ेगा। किसी और लेसन में हम उस लाइन के कुछ गेम्स ढूंढ के उसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो है BD2 मेन लाइन है, BD2 करते ही देखिए आप D4 पर जो है इनडायरेक्टली हम सपोर्ट ला रहे हैं Bishop C3 को Bishop C3, वरना क्वीन अटैक्ड है, क्वीन मूव करते ही DE होगा या तो फिर D5 हो जाएगा, तो इसलिए Bishop C3 और ED करना बहुत ही खराब है। ED को Knight D4 से जो है पोजीशन व्हाइट का ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो Knight B5 का थ्रेट भी बनेगा ED Knight D4 के बाद। तो E4 Knight E5 Knight Take C5 D Take C5 फिर से QD1 Rook D1 व्हाइट का क्लियरली बेटर है, BP5 का थ्रेट आ रहा है तो Knight E7। और यहाँ पे काफी मूव्स इंटरेस्टिंग है, एक तो है Queen A4 चेक, Queen A4 को BD7 अलाउ करके QB4 किया जाता है, इंटरेस्टिंग पोजीशन है। कई बार QF4 BD7 QC4 QC4 BC4 इस तरह से बिशप पेयर यूज करते हैं, पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इंटरेस्टिंग मूव Queen E2। क्रैमनिक ने एक बार ये खेला था और अब देखेंगे हम मेन मूव कैसल है, क्योंकि व्हाइट चाहता क्या है Rook D1 से क्वीन पर अटैक करना और फिर E4 A2 के लिए E4 ट्रेड करना चाहता है और फिर बिशप पेयर से किंग साइड पे अटैक हो सकता है। तो कैसल को Rook D1 और यहाँ पे देखिए
रिस्की मूव क्वीन ए टू, उसको BB4 आ जाएगा। तो ये जो पोजीशन है थोड़ा सा व्हाइट का बेटर हो गया, Qe6 Qe4। अब यहाँ पे देखिए Re8 करना जरूरी है वरना नाइट का प्रॉब्लम होगा। तो Re8 को BB5, Nc6 कैसल। अभी भी आप देख रहे हो कि थोड़ा सा प्रेशर है ब्लैक पर। Bd7 को Re1, Rk d8, Bd6। और यहाँ पे फिर और थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए फॉर एग्जांपल Nd5 करे तो फिर ब्लंडर है। बिशप c7 के बाद देखिए व्हाइट जो है विनिंग हो गया, क्योंकि Bc6 को Rd8 टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गए। बिशप e4 को Rc8 Qe8 Be8 और पूरा रुक का प्रेस जाएगा व्हाइट। तो इस तरह से एक गेम हुआ था जिसमें व्हाइट जीत गया था। और दूसरा मूव था यहाँ पे कैसल के बाद Qg6, उसमें भी क्वीन टेक g6 hg बिशप c3। और अब ये भी पोजीशन व्हाइट का स्लाइड बेटर है, बिशप पेयर है तो Be6 को देखिए Rd6। तो ये भी आप देख रहे हो पोजीशन थोड़ा व्हाइट का जो है एज तो होगी। तो Rd1 को Qc6 थोड़ा बेटर ऑप्शन है। Qc6 को Rd6 क्वीन अटैक Qe4 Qc4। बेसिकली व्हाइट क्वीन का ट्रेड चाहता है, बिशप पेयर एंड गेम चाहता है, लेकिन फेवरेबली एक्सचेंज करा रहा है Qc4 Bc4। अब Be6 रोक दिया है और अब Nf5 रुक पर अटैक Rd1। थोड़ा सा e4 वीकनेस के ऊपर हम एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकते हैं। Be6 गुड मूव और अब Be6 Fe और Ke2। ये भी जो गेम था बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें भी व्हाइट जीत गया था। व्हाइट का पोजिशनल प्ले देखिए कितना बढ़िया है। Rd7 होने वाला है तो Rc8 को देखिए Rd7, Rf7 को Rd1, Rc7। ऐसे लग रहा है कि लगभग इक्वलाइज होगा दोनों रुक ट्रेड होने पर। और व्हाइट क्या करता है, दोनों रुक ट्रेड होने नहीं देता है। Rd8 Rf8 g4 नाइट खराब हो गया। प्रॉब्लम है Ne7 को Bb4 और Nh6 को h3। अब वो नाइट जो है थोड़ा सा फंस रहा है। Nf7 Rd7 गुड मूव, इसके बाद जो है व्हाइट विनिंग हो गया, क्योंकि अब सेवंथ रैंक में पूरा डोमिनेशन होने वाला है। Rd8 Rc7 Ng5 Rb7 Nh3 Ra7 और ये गेम आगे चलकर व्हाइट जो है जीत गया। ऑफ कोर्स व्हाइट के पास कोई विनिंग एडवांटेज नहीं था, लेकिन बहुत ही प्लेजेंट पोजीशन जो कि हमें अपने से 100-200 पॉइंट्स अबव अपोनेंट हो उसके साथ भी कंफर्टेबल पोजीशन देगा। स्लाइट एज लेकिन लॉन्ग टर्म एडवांटेज है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर